जनसभा में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मोहन गुप्ता जी को महागठबंधन ने, यानी कि 7 पार्टियों ने महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी हैं और 3 तारीख को उपचुनाव होने जा रहा है। और इस उपचुनाव में आप सब लोगों से हम यही अपील करने आए हैं, आप लोगों से कहने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन के निशान पर बटन दबा करके मोहन गुप्ता जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम है। और इन्होंने खुद को बताया, ये बढ़िया समाज से आते हैं और हम लोग महागठबंधन के जितने लोग, हम लोग A to Z की पार्टी, A to Z के गठबंधन के लोग, हम लोग A to Z मतलब चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो चाहे आप देखिएगा किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, चाहे कोई जाति के हो, चाहे स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े जाति के हो, अति पिछड़े जाति के हो, दलित महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, हमारा महागठबंधन सबका ख्याल रखता है और सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखता है। आप देखिएगा सभी लोग हैं, हर जात के, हर धर्म के कार्यकर्ता, नेता, सब लोग मिले तो उपचुनाव होने जा रहे हैं। और आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष ललन बाबू जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को साथ आना था, लेकिन आप लोगों को पता है कि घाट का मुआयना करने के दौरान उनको एक शारीरिक चोट आई है, इस वजह से वो यहां उपस्थित नहीं है। हालांकि वीडियो में साफ संदेश भेज दिया गया है, वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने साफ मैसेज दिया है कि महागठबंधन को मजबूत करना है, लालटेन पर बटन दबाना है और बीजेपी को भगाना। बीजेपी का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, बी मतलब बड़का, जे मतलब झूठा और पी मतलब पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी या फुआ पार्टी या फुआ पार्टी। अभी बिहार का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाता, खुद को कहता कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में एक ढंग का नेता नहीं, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी। खैर इसका बात छोड़िए,
जितना बिहार में इनको सदस्यता अभियान में मेंबर बनाया उतना तो इनको वोटों नहीं मिला। यानी इनका पार्टी का जो मेंबर है जितना बनाया वो भी वोट नहीं दिए। ये समझ जाए क्या स्थिति है। और आदरणीय लालू जी जो कि हमारे पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आना चाहते थे प्रचार में, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर सिंगापुर जाना है, किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा किडनी लगेगा, ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नवंबर के महीने में जाना है, तो प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाए। और हम लालू जी का संदेश लेके आप लोगों के पास आए, आप लोग सब लोगों ने, यही मेरे पिता का जन्म हुआ, मेरा ननिहाल, मेरा दादी का घर, सब यही। और आप लोग नहीं होते, आप लोगों का सहयोग नहीं होता, आप लोगों का प्यार नहीं मिलता, तो आज हम लोग जहां हैं वहां नहीं होते। और आप लोग, मेरे पिता ने तो किताब भी लिखा, पहला किताब लिखा उसमें पहली बात ही गोपालगंज टू रायसीना हिल, यानी गोपालगंज में से रायसीना हिल जहां राष्ट्रपति रहते हैं वहां तक का सफर, तो ये किताब भी लिखा। गोपालगंज पूरे देश में जाना गया, सब लोग जानते हैं कि गोपालगंज घर है आगे ना, हम लड़का बानी की ना गोपालगंज के रोवा में बताओ, हम घर के बेटा बानी, अपने भाई बानी, अपन बेटा बानी। और अब पहला बार पहला जिला को गई गई नहीं उप मुख्यमंत्री बने के बाद, अभी तो हम गोपालगंज जाएंगे थावे माई के आशीर्वाद ले, अपन दादी के आशीर्वाद ले, प्रतिमा बांधू मीरगंज चौक और घरे भी प्रतिमा बा। तो पहला बार अपन घर आईनी तो हमार जिम्मेवारी बात बिना रोवलो के ख्याल रखे के, अब हम उप मुख्यमंत्री बनने वाली तो रोवलो के ना ख्याल रखे, घरे के ना ख्याल रखे। अच्छा हम चलनी यहाँ पटना से, तो मुख्यमंत्री जी कहना है तेजस्वी जी आप जा रहे हैं गोपालगंज, तो वहां कह दीजिएगा मेडिकल कॉलेज बनाइए, 500-600 करोड़ के मेडिकल कॉलेज। हमारे पहला घोषणा हुआ तो हमारे जिले में ना हुआ। अब आप बताइए ट्रॉमा सेंटर, छावे मंदिर का सौंदर्यकरण, ये सारा काम होगा, हम रवण के कह देते टाइम पे हम काम कराएं। आप तू जयबा गोपालगंज अस्पताल तो कितना रंग आए तो तय होगा कि ना, और इलाज बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, तो धीरे धीरे सारा चीज सुधारा जाएगा। अभी तो दुई ना महीना होगा रवण के साथ तो लंबा चले के बाद, तो लंबा जब चले के बाद तो हमारा तो काम करे के ना पड़ी, ऐसा नहीं है ना कि जो काम चोर बा जो देह चोर बा, अगर वो काम ईमानदारी से ना करी तो थोड़ी ना रोवा लोग आशीर्वाद देव, हम भी ना दे, जो अधिकारी काम चोर होगा उसको सजा मिलेगा, जो ईमानदार होगा उसको तरक्की मिलेगा। तो इसलिए हम आए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग काम करने में विश्वास है, ललन बाबू जी ने सब कुछ तो बता दिया, इतना बड़ा काम हुआ कि बीजेपी के हम लोग मिल करके भगाए कि नहीं भगाए, यहाँ आ करके जहर समाज में बोना चाहता था, भाई को भाई से हिंदू मुसलमान लड़ाना चाहता था, पूरे देश में बीजेपी जहां विपक्षी सरकार थी उसको तोड़ रही थी, विधायकें खरीद रही थी, भाजपा अपना सरकार बना रही थी, वही एक और बिहार में नीतीश जी और लालू जी ने निर्णय लिया, अब बीजेपी ही को साफ कर दिया, ये कहां हो सकता था। अगर बीजेपी को कोई हराया भगाया तो महागठबंधन के लोगों ने भगाने का काम किया,
जब भाजपा हारे ली तो दो ये काम करता है, एगो करेगा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कश्मीर पाकिस्तान गाय ले आए, और दूसरा क्या करेगा इस पे चर्चा रखेगा, और दूसरा काम क्या करेगा अपना बी टीम के उतार देगा पैसा देकर। बुझो तो रहने, अरे भाई पैसा के कमी है, उन लोगों को पैसा का कमी है। उन लोग हम तो कह लोग कहता कि बीजेपी गरीब की पार्टी नहीं हम अमीर की पार्टी, हम कहते ना वो गरीब की पार्टी ना अमीर की पार्टी है, अमीर में से भी जो सबसे अमीर और उनमें से भी जो सबसे अमीर और उसमें से भी जो सबसे अमीर जो विश्व में सबसे अमीर ओकरे लोग के पार्टी बात दो चार छानता है खत्म कर रहा है सबको। अब इतना साधारण ढंग से ललन बाबू आप लोगों को समझाए हैं, अब हमको समझाने का जरूरत ही नहीं। अब गोपाल गंज के लोग तो ऐसे ही होशियार हो रहे सब कुछ तरह माइनॉरिटी में जाएगा तो माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक लोग में गुमराह करेगा, झंझट करवाएगा। बीजेपी पीछे से खड़ा कर रहा था कि हिंदू और मुसलमान हो जाए, हम लोग शांति अमन चैन चाहते हैं, हमारी पार्टी दंगा फसाद नहीं चाहती। माननीय मुख्यमंत्री जी का पैनी नजर होता है, कहीं कोई दंगाई आ जाए गलत काम करे तो तुरंत धरपकड़ होता है और अमन किया जाता है शांति को। वही लालू जी का आज तक भाजपा के सामने वो झुके नहीं है, आज तक झुके नहीं। कितना केस मुकदमा किया गया, बीमार है तो भी छापा पे छापा। जिस दिन सरकार बन रहा था बहुमत पेश कर रहे थे उस दिन भी भाजपा वाले लोग रेड करके छापा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये बुढ़ापा में भी भाजपा गया लालू जी का लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते बीमार है, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है इनके लिए, यही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए जो कमजोर है, दबे कुचलों के लिए जो गरीब है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, यही लालू जी का लड़ाई है, यही संघर्ष है और झुके नहीं। और इस मंच के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं कि अगर हमारे पिता लड़ते रहे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं। क्या बनाना चाहते हो देश को, क्या बनाना चाहते, क्या लोग चाहता है देश को क्या बना दे भाई, मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना चाहता है, देश का संविधान को खत्म कर देना चाहता है। मुद्दे की बात नहीं करेगा, हम लोग बोल रहे हैं पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, तो बीजेपी क्या बात कर रहा है, हिंदू मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, मतलब कि भगवान को इन लोगों का रक्षा का जरूरत है। हाँ हनुमान जी कई लोग रक्षा कर रही, हनुमान जी अपने काबिल मारे, क्या बकवास करता है लोग, झूठा लोग गणेश जी को दूध पिलाने वाला, गणेश जी को दूध ना मिली झूठ बोलता है सब। असल मुद्दा है गरीबी, किसान का आय दुगना हो, असल मुद्दा है महंगाई, असल मुद्दा है बेरोजगारी को खत्म करना, नौकरी देना रोजगार देना। और हमने पिछले चुनाव में कहा था कि 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करें, और हम लोगों की नई सरकार बनी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने काम किया बिहार के लिए, हम लोग सीखे हैं सीख रहे हैं, और हम लोग मजबूती के साथ जो है उनके साथ खड़े हैं, कहीं गड़बड़ाने वाले हम लोग नहीं है, एक बात सब लोग समझ जाएं।
कुछ बीजेपी वाला बोलता रहता भाई, टिप्पा टिप्पी करता रहता। मुख्यमंत्री जी को चोट लगा है, वो नहीं आ रहे हैं, तो बीजेपी वाला बोलता कि हराना चाहते। हाँ तो हरेक बुला के बोलने वाले बेईमान झूठा पार्टी। तो ये लोग तो गड़बड़ आदमी लोग है। दूसरा दूसरा प्रोसेस से उत्तर प्रदेश के लोग के बुलाइले बा प्रचार ला बताओ। उत्तर प्रदेश के लोग आके कहा करी भाई, वो क्या बताइए पता बा बिहार कैसन बा। हाँ तो बिहार जैसन बा, उत्तर प्रदेश वैसन हो जाए। यहाँ से जैसे भाजपा को भगाए यूपी से भी भगाएंगे। एक बार सब लोग विपक्ष के लोग एक हो जाए, और यही काम में लालू जी और नीतीश जी लगे। मुख्यमंत्री जी का निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं था, कि तो पार्टी खत्म करने लोग चला था, लेकिन सब लोग सजग रहे, होशियार रहे, इसलिए सब लोग मिल गए। ये समाजवादी विचारधारा खत्म हो गया बा, इसलिए हम लोगों का फर्ज था, हम लोग ने नई सरकार बनाई, और नई सरकार बनाते ही हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने लग गया। और हमारा खाली हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, 1.5 लाख नौकरी हम देने जा रहे हैं खाली स्वास्थ्य विभाग। लाखों नौकरियां हर विभाग से कुछ दिनों बाद आप देखिएगा, थोड़ा इंतजार को मदद ले लीजिए। और उसके बाद आप लोग एक नौजवान सा तैयारी करिए परीक्षा ला, ये कंपटीशन वाला जमाना बा। अभी यहाँ इस सब बेचारा सब एक आध लोग पर्ची लेके खड़ा रहता है भाई, सब संज्ञान में पता है। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री तो काहे ना चिंता करते, सबका दुख दर्द जो है। अरे हम लोग नौजवान हैं, पीड़ा सबका समझते हैं। अरे सब होगा, काहे चिंता कर रहे, इसलिए ध्यान रखिए ना। जब बहाली होगा तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप अच्छे से पास हो जाइए। इसलिए सब लोग आप लोग कागज दे दीजिए।